में ईसाइयों के उत्पीड़न, ईसाई संस्थाओं को टारगेट कर हमला होने के आरोप वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस संबंध में 4 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट दायर करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा से ईसाई समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा, गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या और जांच के चरण के बारे में डेटा एकत्रित करने का आदेश दिया। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। और आज की वीडियो में मसीह विरोधियों को झटका लगने वाला है। मैं क्यों कह रहा हूँ झटका लगने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऐसे खबर देने वाला हूँ जो खबर सुनने के बाद आपको अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा। जी हाँ, खुशी लगेगा, आपको मज़ा आ जाएगा आज की वीडियो में, जो कि नहीं हुआ था और अब होने वाला है, होने जा रहा है। क्योंकि अब जो सिचुएशन हुआ है 2024 इलेक्शन के बाद, जब बीजेपी का जीत फिर से हुई है, उसके बाद बहुत सारे मसीह भाइयों और बहनों के अंदर डर पैदा हो चुका है। फिर बीजेपी सरकार आ गया, फिर से प्रोसिक्यूशन सतावट फिर से होगा, ऐसा करके बहुत सारे चिंता क्रिश्चियन भाइयों और बहन के मन में आ रहा है, ज़रूर आ रहा होगा। क्योंकि पहले हम देख चुके हैं कैसे मणिपुर में कैसे प्रोसिक्यूशन हुआ था, और हम और भी देख सकते हैं उड़ीसा में, जैसे कि मैं उड़ीसा का हूँ, उड़ीसा में कंधमाल नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर भी प्रोसिक्यूशन हुआ था 2008-09 में प्रोसिक्यूशन हुआ था। पहले जो कुछ भी हुआ था, अब तो तीसरी बार जीत हुई है बीजेपी का, फिर से प्रोसिक्यूशन होगा, फिर से सतावट होगा, ये बात को लेकर मसीह लोगों के अंदर एक डर पैदा हो चुका है। हम क्या करेंगे, क्या आपको लगता है फिर से प्रोसिक्यूशन होगा, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। आपको भी अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा आज की वीडियो में। जी हाँ, ये सबको इंतज़ार था, मुझे भी और आपको भी, जो खबर मैं अब देने जा रहा हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब बहुत सारे भाइयों और बहनों ये कहेंगे तो सटावट ज़रूर होगा क्योंकि ये वचन में लिखा गया है। जी हाँ, मैं भी आपकी बात में सहमत हूँ। अब सतापट जो है वो होगा, लेकिन जिस हिसाब से हो रहा था, क्या उसी हिसाब से होगा या नहीं होगा, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, तो बच्चे में लिखा गया है होगा, मतलब ये ज़रूर होगा, इसको कोई भी टाल नहीं सकता। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा भारत देश में पहले जैसे प्रोसिक्यूशन हो रहा था, उसी के हिसाब से अब कम हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि एक खबर निकल कर आया है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है और भारत की सरकार को उन्होंने निर्देश दिया है, आदेश दिया है, क्योंकि जो जो राज्य में प्रोसिक्यूशन हुआ है ऑलरेडी, बहुत सारे सतावट हुआ है, चर्च को तोड़ा गया है, चर्च को जलाया गया है, मसीह लोगों को जान से मार दिया गया है और माँ बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये जो सारे चीज है जो आज तक हुआ है, तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट अब हिसाब मांग रहा है, एक हिसाब देना पड़ेगा भारत सरकार को, मोदी जी को और जितने भी मसीह विरोधी हैं उन लोगों को। इसलिए मसीह विरोधी के अंदर एक डर पैदा हो चुका है। जी हाँ, वो लोग मसीह लोगों को डरा रहे थे, लेकिन अब परमेश्वर ने ऐसा काम किया है, उन लोगों के अंदर डर पैदा हो चुका है, हमारा अब क्या होगा। जी हाँ, हिसाब मांगा है तो हमें हिसाब दीजिए, जो चर्च को तोड़ा गया है, क्रिश्चियन लोगों को मारा गया है जान से, इसका कारण क्या है, क्यों तुमने ऐसा किया, हमें हिसाब चाहिए, अब तो हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मोदी सरकार चिंता में है, तो अब क्या करेंगे।
अब मसीह विरोधियों का अब क्या होगा, उनका हाल क्या होगा। देश में ईसाइयों के उत्पीड़न, ईसाई संस्थाओं को टारगेट कर हमला होने के आरोप वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस संबंध में 4 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट दायर करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा से ईसाई समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा, गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या और जांच के चरण के बारे में डेटा एकत्रित करने का आदेश दिया। रिपोर्ट में ऐसी घटनाओं की संख्या, ऐसे मामलों में दर्ज FIR, चार्जशीट, गिरफ्तारियों के बारे में बताने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन राज्यों के मुख्य सचिवों को FIR दर्ज करने, जांच की स्थिति, गिरफ्तारी और चार्जशीट दाखिल करने के संबंध में जानकारी देना सुनिश्चित करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 महीने का समय दिया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि याचिका में लगाए गए आरोप झूठे हैं। अर्जी में जिन मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है उनमें तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं बेनती करता हूं कि जिन्नी भी इहदी निंदा कीती जावे थोड़ी है, बहुत ही माड़ी घटना वापरी। देखो, कोई किसी धर्म नूं मानता है, कोई किसी गुरु नूं मानता है, किसी अवतार नूं मानता है, और इन्नी गुंडागर्दी हद तों बर्दाश्त तों बाहर है। देखो, मैं समझदा कि जिहड़े साडे सत्कारयोग मरियम जी ने वह हदों वध सत्कारत ने ईसाई धर्म दे विच, ते तोड़ भंद करके सिर ला के लै जाना बहुत शर्मिंदगी वाली गल, बहुत दुख होया। पर मैं एक बेनती करना चाहुंदा कि एड्डी वड्डी घटना वापरन तों बाद साढ़े अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नूं इत्थे आउणा चाहीदा सी। आफ्टर आल, असीं आपां उहनां नूं सिख धर्म दे पोप कहिंदे आ, ते जे अज पंजाब दे विच साडी इक रवायत है कि किसी भी धर्म ते कोई धक्का हुंदा है ते असीं उहदी बांह फड़दे सी, गल करदे आ, साडे गुरुआं ने वी कीती है जदों हिंदू धर्म ते धक्का होया सी, ते अज फर्ज बनदा सी कि अज उहनां कोई इक लफ्ज़ नहीं बोलिया गया। साढ़े पोप, साढ़े मुखी अकाल तख्त साहब दे अज ये गुंडागर्दी होवे किसी चर्च विच ते उह कोई लफ्ज़ ना बोलन, उहनां दा फर्ज बनदा इत्थे आउणा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान दा फर्ज बनदा इत्थे आउणा, उहनां नूं आउणा चाहीदा सी। देखो, असीं जिहड़ी कन्वर्शन दी गल करदे हां कि कोई जबरी धर्म परिवर्तन, कोई जबरी धर्म परिवर्तन, असीं अपने फर्ज निभाए ने। और इस खबर पर भी तमाम जानकारी देने के लिए अमित कुमार हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। पंजाब में अभी जिस तरीके से बेअदबी का मामला सामने आया, तरन तारण में चर्च की जो घटना हुई, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये आदेश दिया है कि आप जरा बताइए कि किस तरीके से ईसाई धर्म के खिलाफ इस समय गतिविधियां हो रही हैं। ये दिख रहा है कि लगातार एक के बाद एक इस धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अमित जी, पलवई, बिल्कुल सही तौर पर बात करें कि ईसाई संस्थानों पर और पुजारियों पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, इसको लेके बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से एक रिपोर्ट मांगी है। उस रिपोर्ट के लिए बकायदा 2 महीने का समय दिया गया और उस रिपोर्ट में डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है कि सभी स्टेट्स के, अगर हम कहें कि चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी गई है कि जो हमले हुए उनके ऊपर जो क्या क्या कार्रवाई हुई, जो FIR दर्ज हुई है, जो रिपोर्ट फाइल की गई है, वो बारीकी से हर एक चीज की डिटेल मांगी गई है कि जांच की स्थिति कहां तक पहुंची, कौन कौन गिरफ्तार हुआ और क्या क्या चार्जशीट फाइल की गई है। तो इसके बकायदा रिपोर्ट लेने के लिए गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया। मतलब सीधे तौर पे कह सकते हैं कि केंद्र गृह मंत्रालय को एक कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप सभी स्टेट में जहां जहां पे हम कहें कि ईसाई संस्थानों पर और अगर हम कहें पुजारियों पर हमला हुआ है कि उनके ऊपर जो हमले हुए उनकी स्थिति में जो FIR दर्ज हुई है या फिर जो कार्रवाई हुई है कि नहीं है, इसके ऊपर स्थिति बिल्कुल क्लियर करें। और बकायदा चीफ सेक्रेटरी के जिस जिस स्टेट में हमला हुआ है वहां के चीफ सेक्रेटरी से उनकी रिपोर्ट मांगने को कहा गया। और जो स्टेट्स की भी बात की गई उनमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और झारखंड, ये सभी स्टेट्स हैं। इन सभी स्टेट्स के अगर हम कहें चीफ सेक्रेटरी से बकायदा 2 महीने के अंदर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट हासिल करने के लिए कहा गया कि 2 महीने के अंदर आप बकायदा रिपोर्ट लें और बारीकी से रिपोर्ट कि जो इंसिडेंट हुआ है, जो उसमें FIR दर्ज हुई है, FIR के बाद जो चार्जशीट फाइल की गई है और उसमें जिनके ऊपर कंप्लेन दी गई थी, क्या वो अरेस्ट हुआ है या नहीं, तो इन सभी चीजों की एक डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। और इसके लिए बकायदा टाइम बाउंड रिपोर्ट मांगी गई, बकायदा 2 महीने का समय दिया है कि एग्जैक्टली 2 महीने के अंदर आप ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दें या गृह मंत्रालय को मांगेंगे कि आपके पास 2 महीने में और आप ये रिपोर्ट हमें सबमिट करें ताकि एग्जैक्टली क्लियर हो सके कि जो अगर हम कहें कि ईसाई धर्म के ऊपर हमला हो रहा है वो क्लियर कट हो सके, क्या कोई कार्रवाई हो रही है या फिर नहीं। चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के। जी हाँ,
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो जैसे कि भारत का सरकार भी मोदी जी तो रह चुके हैं, लेकिन जो विपक्ष की दल में कौन रहा है, हमारा राहुल गांधी जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है मैं ईसाई लोगों के साथ हूँ, साथ हूँ, साथ में रहूँगा अंत तक। उन्होंने ये सब खोलताड़ किया है, तो अब क्या होगा मसीह विरोधियों का, अब क्या होगा, तो अब तो हिसाब देना पड़ेगा। तो इसके बाद पता चलता है आगे भी जिन लोगों ने मसीह लोगों को सता रहे थे, उन लोगों को सताने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, उन लोगों को 100 बार सताने से पहले, चर्च जलाने से पहले, चर्च को तोड़ने से पहले उन लोगों को कम से कम 100 बार तो सोचना पड़ेगा, हम यह करेंगे या नहीं करेंगे। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ पहले जैसे सतावट हो रहा था, अब ऐसा ही नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब जैसे सिचुएशन हुआ है सबको जय मसीह की, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। अब शाम हो गया है, वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, मैं एक ज़रूरी काम में था। सबको जय मसीह की, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह की।